السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ये दाएं बाएं सामने जो लोग खड़े हैं, कष्ट उठा रहे हैं, तकलीफ हो रही है, महफिलेर भीतरे जगह से माशाल्लाह आप लोग अगर आके बैठ के वास सुनेंगे तो मजलिस भी अच्छी बनेगी और आप लोगों को भी आराम मिलेगा, कष्ट नहीं होगा। आ जाइए, बैठ जाइए, जगह बहुत है। मजलिस भीतरे बोलिए इंशाल्लाह लाभ होगा। आप हजरात भी थोड़ा अगर आगे आगे बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم आज के इस दीनी सभा के सभापति साहब, मंच पर उपस्थित हजरात उलमाए किराम, नौजवान साथियों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज के इस सभा में जितने वाइज है, तकरीर करने वाले, बयान करने वाले हैं, सब आप लोगों को आपके भाषा में कुरान और हदीस की बात बताएंगे। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब दामद बरकातुहुम, जामिया इस्लामिया जलालिया, बड़े क्लास और बड़ी जमात के उस्ताद है, हदीस के उस्ताद है। उन्होंने भी बहुत सुंदर हिसाब से आप लोगों को कुरान और हदीस की बात बताई। तो जितना वाज होगा सब बंगला में होगा या तो उफमिया में होगा। एक बंदा अगर हिंदी में वाज कर दे तो कम से कम ये मोबाइल जो आप लोगों के पास है और हर मोबाइल में चिप्स लगा हुआ है और जितना जीबी का चिप्स होगा उसमें 90% जो गान और फिल्म होगा वो तो हिंदी ही का होगा। गान सुनेगा हिंदी में, फिल्म देखेगा हिंदी, और वाज का टाइम आएगा तो हुजूर अपना वाज तो हिंदी कृति से हमरा तो गुस्तम पारी ना, बंगलत वाज हो ले भालो। ये शैतान का धोखा है, नूरानी धोखा है। खैर, मैं कोशिश करूंगा कुछ बंगला, कुछ हिंदी, कुछ उर्दू मिला के आप लोगों के सामने दो तीन बातें पेश करूं। सबसे पहली बात, ये जो चांद का महीना है, रजब का महीना है। आज के रजबे 7 तारीख आरंभ हो इसे। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का महीना आरंभ होता था तो एक छोटी सी दुआ
एक बड़े छोटो दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। जितने आलिम उलमा हैं, आप लोगों में भी जितने दीनदार नमाजी है, आलिम उलमा के साथ संपर्क को रखते हैं, मुझे विश्वास है, यकीन है कि आप लोगों ने भी वो दुआ पढ़ लिया होगा। और यदि अब तक किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं वो दुआ पढ़ूंगा। आप हजरात उस दुआ को पढ़ लीजिए, एक सुन्नत पर अमल हो जाएगा। और हदीस में आया है, मन अहिया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीद, कि जो आदमी फितना फसाद के जमाने में, बेदीनी गुमराही के जमाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को जिंदा करेगा, मात्र एक ता सुन्नत के जिंदा कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको 100 शहीद का सवाब मिलेगा। और शहीद किसको कहा जाता है? अल्लाह के रास्ते में निकला था और अल्लाह के रास्ते में दुश्मन ने उसको मार दिया। मुसलमानों का जो शत्रु और दुश्मन है उसने उसको मार दिया, उसको शहीद कहा जाता है। कुरान करीम ने शहीद के बारे में फरमाया, ला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, अल्लाह के रास्ते में जो शहीद हो जाए, अल्लाह के रास्ते में जिसकी मौत हो जाए, तुमरा उसको मुर्दा मत कहना, ये मत कहना वो मर गया, बल्कि उन्हीं अल्लाह खासे जीवित हो, वो अल्लाह के यहां जिंदा है और वो जन्नत में सैर करता है, तफरीह करता है, जहां चाहता है वहां जाता है, कोई उसको रोकने वाला बाधा देने वाला नहीं है। तो 100 शहीद को जो सवाब मिलेगा, फितना फसाद जलालत गुमराही के जमाने में एक सुन्नत को जिंदा करने वाले को उतना सवाब मिलेगा। इसलिए मैं एक सुन्नत को अदा कर रहा हूं, अमी ए दुआटा पोड़ते सी अपनारा अमार दुआ पोड़ा लोगे लोगे अपनारा फोड़ दे। दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। इसका मतलब है कि ऐ अल्लाह, आपने रमजान के बाद शव्वाल से लेकर अब तक हमको जिंदा रखा, जीवित रखा, इतना लंबा जमाना आपने जिंदा रखा। अब आगामी जो रमजान आने वाला है, मात्र 2 मास, रजब और शाबान, शाबानेर पूरे आबार रमजान आरंभ होइबो। ऐ अल्लाह, जब आपने इतना दिन तक हमको जिंदा रखा तो 2 महीना और हमको जिंदा रखिए, ताकि रमजान का महीना आएगा, बरकत वाला महीना आएगा, रहमत वाला मास और महीना आएगा, और उस महीने में हम फिर रोजा रखेंगे, हम कुरान की तिलावत करेंगे और तरावीह की नमाज पढ़ेंगे, इशराक तहज्जुद अवावीन चाश्त की पाबंदी करेंगे। ऐ अल्लाह, एक मर्तबा वो महीना हमको फिर दे दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे कि ये जो महीना आरंभ हुआ रजबेर मास, और ए रजबेर पोरे आर ये एक मास आसे शाबान, ए दोनों मासेर भितरे अमार कारोबारेर भितरे, हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे माल में, हमारे खेती बाड़ी में और हमारे व्यवसाय के अंदर, ऐ अल्लाह इतना बरकत दीजिए, इतना बरकत दीजिए कि हमारा दिन सही से गुजरे और
रजब और शाबान का महीना गुजर जाने के बाद ऐ अल्लाह हमको रमजान महीना तक पहुंचा दीजिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। हमने और आपने इस दुआ को पढ़ा, अल्लाह ताला ये दुआ को कबूल फरमाए और हम सबको फिर रमजान का महीना अता फरमाए। आमीन बोलिए। हमारे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, हमी कुरान तक की एकता आयत पाठ कुर्सी, और ये जो आयत है ये आयत आज आप लोगों ने जुम्मे की नमाज से पहले खुतबा के दो नंबर खुतबा के लास्ट में आप लोगों ने भी सुना है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताई दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग़ यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। पराय मस्जिदेर भितरे, पराय मस्जिदेर भितरे प्रत्येक शुक्रवार दुई नंबर खुतबा लास्टे गिया इमाम साहब इस आयत को पढ़ते हैं, और खाली आपके इलाके में नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर, पूरे एशिया के अंदर इमाम साहब खुतबा के लास्ट में जाकर ये आयत पढ़ते हैं। और एक जुमा दूई जुमा से नहीं बल्कि तफसीर की किताबों में लिखा है कि हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्ला अलैह आज से 1340 बच्चों आगे जब वो अमीरुल मुमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, मुसलमान बादशाह हासिल, उसी जमाने में उन्होंने खुतबे के अंदर इस आयत को शामिल किया था, और उसी जमाने से जुम्मे के खुतबे में इमाम साहब इस आयत को पाठ करते हैं, पढ़ते हैं। और यहां मजलिस के अंदर बहुत ऐसे मुरब्बी हैं जो 50 बच्चर से 60 बच्चर से जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं और प्रत्येक जुम्मा को इस आयत को सुनते हैं, और एक बच्चर में 50 या 52 जुम्मा होता है, हर जुम्मा को ये आयत सुनते हैं, किंतु इतना दिन सुनने के बाद आज तक हमारे दिल में अमरर दिलेर भितरे शौक पैदा हुई से ना कि कुरानेर भितरे तो 6666 आयत, 6666 आयत है, समस्त तो आयत के सरिया पूरे कुरान को छोड़कर प्रत्येक शुक्रवार इमाम साहब यही आयत क्यों पढ़ता है? और भी तो आयत है, कभी दूसरा आयत पढ़ लेना चाहिए, एक जुम्मा में एक आयत, एक जुम्मा में एक आयत, कभी ये कभी वो, किंतु ऐसा नहीं होता है, प्रत्येक शुक्रवार को इमाम साहब ये आयत पढ़ते हैं। अमरा ये आयत हुनर लोगे लोगे अमरा दिलेर भितरे ख्याल आए कि एकोन खुतबा शेष होइबो और नमाज आरंभ होइबो, बिल्कुल खुतबा के लास्ट में जाकर इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताई दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़ यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून फज़कुरुल्लाह तआला यज़कुरुकुम वदउहु यस्तजीब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अअज़्ज़ु व अजल्लु व अहम्मु व अतम्मु व अकबर। खुतबा शेष। जब इमाम साहब ये आयत पढ़ता है तो सारा मुक्तदी ये समझता है कि अब खुतबा शेष होगा, नमाज आरंभ होगा, किंतु दिल में यह ख्याल नहीं आता कि इस आयत के अंदर इमाम साहब ने क्या कहा, यह आयत में अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह ने हमको कुछ काम करने के लिए कहा, अल्लाह ने कुछ गुनाह से हमको बचने के लिए कहा, अल्लाह ने इस आयत में हमको क्या आदेश दिया। हमारे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, बड़ो दुखी तौर होता हमारा दिलेर भितरे कुरान बुजर कोनो दिन शौक पैदा हुई ना, कुरान को समझने का शौक नहीं पैदा होता है। आज मेरे दिल में ख्याल आया कि जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज में इस आयत को हम लोगों ने सुना है, उस आयत का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, क्या तर्जमा है,
बिल्कुल मुख्तसर हिसाब से आप लोगों के सामने में बयान कर दूं, किंतु आयत का माने और मतलब बयान करने से पहले ए आयत संपर्के एक घटना हमें अपना सामने खोल तफसीरे किताबेर भित्रे ओ आयत संपर्के एक घटना ऐसे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने नबी बनाकर रसूल बनाकर इस दुनिया में भेजा तो किसी दूसरे समाज और इलाके में गांव का एक मुरब्बी था, समाज का एक गार्जियन था, जिनका नाम था अक्सम बिन सैफी रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनको खबर मिली कि अंतिम रसूल और अंतिम नबी मक्का में आ गए हैं। उन्होंने अपने गुश्ती खानदान समाज के लोगों को जमा किया और कहा कि अल्लाह ने अंतिम रसूल को इस दुनिया में भेज दिया है, मैं उनका उपेक्षा और इंतजार कर रहा था। तैन आई सुन एपन अमरार उपरे जिम्मेदारी अमरा किया उनार उपरे उनार हाथेर उपरे हाथ रखिया कलमा पढ़िया अमरा मुसलमान हुई था। तो उस मुरब्बी ने उस सहाबी ने कहा कि मैं जाता हूं और जाकर मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। उस समाज के नौजुबक ने, मेरे नौजवान साथियों आप लोग सुनो ध्यान से, समाज के नौजुबक ने कहा कि आप हमारे मुरब्बी हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं, अमरा आगे जाए और जाकर हम तहकीक करेंगे। सही माने में अगर वो नबी है, हसा हिसाबे उन्हीं जुदी नबी, तो अमरा एक लोगे किया इंशाल्लाह कलमा फोड़ता हूं और कलमा फोड़िया अमरा मुसलमान हुई। तो दो नौजवान उस इलाके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और जाकर दो छोटा छोटा प्रश्नों किया, दो छोटा छोटा क्वेश्चन किया, नंबर एक मन अंता और नंबर दो मा अंता। मन अंता, तुमी खे, तुम कौन हो, तुम्हार नाम की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सुन, अना मुहम्मद इब्नु अब्दुल्लाह, अमार नाम मुहम्मद और अमार बाबा नाम अब्दुल्लाह। एक बड़े सिंपल हिसाबे उन्हीं जवाब दिस, बिल्कुल साधारण जवाब और उत्तर दिया। मेरे तरह अगर कोई मौलाना होगा और आप कोई पूछेगा कि हुजूर अपना नाम की, तो हम क्या कहेंगे, मेरा नाम हजरत मौलाना अल्लामा हाफिज कारी मुफ्ती मुहद्दिस शेख अलहाज उमुक साहब। इतना लंबा नाम हम बयान करते हैं, जितना लंबा हम अपना नाम बताएगा उतना ज्यादा हमको हदिया मिलेगा और उतना ज्यादा हमारा सम्मान होगा। किंतु अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीफा, आपने फरमाया अना मुहम्मद इब्नु अब्दुल्लाह, अमार नाम मोहम्मद, अमार अब्बर नाम अब्दुल्ला। दो नंबर प्रश्न, मा अंता, अपने की मानुष, अपनर कास्टा की, अपनर एक्टिविटीज की आसे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अना अब्दुल्लाही व रसूलुह, अमी अल्लाह एक जन बंदा, मैं अल्लाह का एक बंदा हूं और अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह ने मुझे रसूल और नबी बनाकर भेजा। दोनों नौजवान ने कहा आप यदि अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल है, तो अल्लाह का जो रसूल होता है उनके ऊपर अल्लाह का कलाम और अल्लाह की किताब आती है। अल्लाह ने आप पर कोई किताब उतारा, अल्लाह ने आपको कोई किताब और वही दिया, जुदी दिया है तो उसमें से कुछ पढ़ के हमको भी सुनाइए। उस टाइम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत पढ़ के सुनाया, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताई दिल कुर्बा। उन दोनों नौजवानों ने कहा कि एक मर्तबा और सुनाइए, हमारे याद हो इसे ना, मुफस्तो इसे ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार सुनाया, बार बार सुनाया, यहां तक के दोनों ने उस आयत को याद किया और अपने इलाके में अपने मुरब्बी के पास, अपने गांव बूढ़ा के पास, अक्सम बिन सैफी के पास जाकर पूरी कारगुजारी बयान की।
वहां से पराय 100 आदमी, पराय 100 आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और मात्र यही एक आयत सुनकर, इसी एक आयत को सुनकर, और उन लोगों ने यकीन और विश्वास कर लिया कि जिस शख्स पर जे मानुषेर उपरे ओई रकम सुंदर कुरान नाजिल होते से, हे मानुषटा कोनो दिन मिथ्या होइबो ना, हे मानुषटा हसा उनी नबी और सही माने में वो अल्लाह के रसूल है। उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ के सब मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, ये एक आयत की बरकत है। आर कोई एक घटना आसे किंतु समय ना, ये आयतेर भीतरे अल्लाह ताला ने 6 बात बयान किया है। जैसे हमारे दावत तबलीग के साथी, जमात के साथी 6 बातें बयान करते हैं, अल्लाह ताला ने इस आयत में भी 6 बातों को बयान किया है, और ये कहा कि 3 बात को मानना है, 3 बात पर अमल करना है, और 3 गुनाहिर काज बयान करो इसे, हे गुनाहिर काज तुमरा कोनो दिन करियो ना। 3 नेकिर काज आसे, ए नेकिर काजटा करियो, और 3 गुनाहिर काज आसे, हे 3 गुनाहिर काज कोनो दिन करियो ना। नेकिर काज नंबर 1, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह ताला आदेश देता है, अल्लाह हुकुम देता है, ऑर्डर करता है, किस चीज का, किस चीज का, अदल का, इंसाफ का, ऐन दाल लाम अदल, अदल के माने आता है न्याय करना, जस्टिस करना, इंसाफ करना। ए मुसलमानों, तुम हमेशा इंसाफ करना, कभी ना इंसाफी मत करना, कभी बेईमानी नहीं करना। किसके साथ इंसाफ करना है? अमरा तो कोनो जज ना आए, अमरा तो कोनो हाकिम ना आए, हम तो कोई गांव के मुरब्बी नहीं है, मुखिया नहीं है, सरपंच नहीं है कि हम जाएगा पंचायत करेगा और विचार करेगा और वहां जाकर इंसाफ करेगा। हम लोग तो आम आदमी है, किंतु अल्लाह ने कहा ऐ मुसलमानों, तुम सबको हमारा आदेश है, हमारा ऑर्डर है कि तुम हमेशा इंसाफ करना। अगर टीचर है तो अपने स्टूडेंट के साथ इंसाफ करो, गलत मत पढ़ाना, भूल किताब मत पढ़ाना। अगर शेख है तो अपने मुरीद के साथ इंसाफ करो, अगर गांव का मुरब्बी है तो गांव के तमाम लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, अगर घर का गार्जियन है तो फैमिली मेंबर के साथ इंसाफ होना चाहिए, अगर शामी है तो अपने वाइफ के साथ इंसाफ करो, आप किसी के सेले हैं, लड़के हैं, लोरा है तो आप अपने माँ बाप के साथ इंसाफ करो, अगर आप बाप है तो अपने संतान, अपने सेले में के साथ इंसाफ करो, अगर हाकिम है तो अपना प्रजा और अपने रियाया के साथ इंसाफ, एमएलए है तो अपने पूरे समष्टि के लोगों के साथ इंसाफ होगा, अगर प्राइम मिनिस्टर है तो देश के तमाम लोगों के साथ इंसाफ करो, अगर पूरी दुनिया का मालिक है तो पूरी दुनिया के तमाम लोगों के साथ इंसाफ करो। इंसाफ करो, ना इंसाफी मत करो, बेईमानी मत करो। तफसीर एक मशहूर किताब आसे कुर्तुबी, तफसीर कुर्तुबी, साहेब तफसीर कुर्तुबी ने लिखा है कि इंसाफेर खास करिया 3 मतलब, इंसाफेर 3 मतलब आसे। नंबर 1, अमरा इंसाफ करतम अल्लाह दोगे, अल्लाह लोगे हमारा इंसाफ करतम। अल्लाह के साथ इंसाफ करने का मतलब है कि हमारा अकीदा, हमारा और आपका अकीदा सही होना चाहिए। जेरकम अल्लाह एक, हमारा कोनो दिन शिरिक करतम ना। अल्लाह रिजिक देने वाला, अल्लाह बारिश बरसाने वाला, अल्लाह टाका पैसा देने वाला, अल्लाह संतान देने वाला, सारी चीजों का मालिक, समस्त जिनिशेर मालिक अल्लाह। किंतु अमरा कोनो कोनो समय की काज करी, शादी हो गया, बिया हो गया,
लड़का बच्चा नहीं मिला, औषध किया, दवाई किया, नहीं मिला, अब किसी मजार पे जाता है। कोई भांडो आता है, पीर फकीर आता है, उसको हदिया देता है, उसको गिफ्ट देता है और उसको कहता है, पीर साहब, उमुक वली साहब, उमुक बुजुर्ग साहब, अमार बारिश संतान नाय, अपने हमारे एक संतान दान करें, आप हमको एक लड़का दे दो, एक लड़की दे दो। मेरे भाइयों, जो आदमी ऐसा कहता है वो अल्लाह के साथ ना इंसाफी करता है, वो अल्लाह के साथ इंसाफ नहीं करता है। संतान देने वाला अल्लाह है, व्यवसाय नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, किसी के पास जाकर कहता है कि भाई हमारा बिजनेस का लाइन खोल दो। कोई आदमी बिजनेस का लाइन नहीं खोल सकता, बिजनेस का लाइन, व्यवसाय का लाइन खोलने वाला अल्लाह, अल्लाह की जात है। मेरे भाइयों, तौहीद, वहदानियत, अल्लाह को एक मानना और मात्र एक अल्लाह की इबादत करना, हमारी तौहीद, हमारी वहदानियत और अल्लाह के एक मानने का अकीदा और विश्वास जब तक पक्का और पुख्ता और मजबूत नहीं होगा, हम लोग पक्के मोमिन नहीं हो सकते। कितना मजबूत और कितना पुख्ता होना चाहिए। एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, उनार संबंधे एक घटना आसे, बड़ो बुजुर्ग, बड़ो अल्लाह वली, निजर जमानार सब तक ही बड़ो बुजुर्ग ज्योति खोवा जाए तो झूठ नहीं होगा। जब उसका इंतकाल हो गया, इस दुनिया से मर के चला गया, तो उनके एक मुरीद ने ख्वाब में देखा, सपना में देखा और प्रश्न किया कि हुजूर, आप तो अल्लाह के वली थे, आप इतने बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह ने आपको डायरेक्ट जन्नत में दिया होगा, मनो को अपना कोनो हिसाब किताब ऐसे ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मरने के बाद अल्लाह ताला ने अपने पास मुझको बुलाया और बुलाकर मुझसे प्रश्न किया, ए बायजीद, ओ बायजीद, तुम मेरे लिए दुनिया से क्या लेकर आयो, अमार जन्ने तुम्हें की लोई आईसो। बायजीद ने कहा कि जब अल्लाह ने ये प्रश्न किया तो मैं कांपने लगा, थर थर कांपने लगा, भय करने लगा, डरने लगा। अमी जो दी कोई, ए अल्लाह, अमी डेली बारो तस्बी करतम, अमी डेली जिक्र करतम, अमी डेली पांचों टाइम पाबंदी के साथ जमात से नमाज पढ़ते थे, हम रोजा रखते थे, दान खैरात करते थे। अल्लाह कह सकता है, ओ बायजीद, ए जे अमल, ए अमल ता तुम्हें अमार जुन्ने कर सोना, बल्कि तुमने ये अमल इसलिए किया था कि लोग तुमको अल्लाह का वली कहेगा, तुमको बुजुर्ग कहेगा, तुमको हदिया लाकर देगा, तुमको स्टेज पर बुलाएगा, तुमको सदर बनाएगा और तुम्हारी इज्जत और सम्मान करेगा। तुमने मेरे लिए नमाज नहीं पढ़ा था, तुमने मेरे लिए जिक्र नहीं किया था, हाँ, बुजुर्ग बनने के लिए, बुजुर्ग कहलाने के लिए तुमने ये काम किया था। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इसलिए अमी कोई सीना के अल्लाह, अमी ओतो बेसी इबादत करिया आईसी, अमी ओतो बेसी नमाजेर संपत्ति लोया आईसी, मैंने अपनी किसी इबादत को, नेकी को बयान नहीं किया। अमी कोई सी, ओ अल्लाह, अमार कासे किच्छू ना आई, अमी दुनिया तक ही किच्छू लोया आईसी ना, मात्र एकता जिनिस अमार कासे आसे, हे जिनिसटा होलो के अमी कोनो दिन शिरिक करसी ना, अमी कोनो दिन शिरिक करसी ना, निजर ईमानेर हिफाजत हिसाबे, अपने ईमान को हिफाजत के साथ मैं अपने पास, आपके पास लेकर आया हूं, मैंने कभी शिरिक नहीं किया, तौहीद को, वहदानियत को आपके पास लेकर आया हूं। अल्लाह ने कहा, बायजीद तुम झूठ बोलते, बायजीद तुम झूठ बोलते, ओ तो बड़ो वली, ओ तो बड़ो वली, बायजीद तुम झूठ बोल रहा है। याद है, तुम एक रात में खाना खाने के बाद तुमने दूध खाया था, गाखीर दूध पिया था, रात के टाइम में पेट में गैस हुआ और तुम्हारे पेट में पेन और दर्द आरंभ हुआ, वेदना शुरू हुआ। जब तुम्हारे पेट में पेन हुआ, तुमको किसी ने पूछा कि हुजूर
আজকে আপনার পেটের ভিতরে দরদ আর পেন কি রকম হইছে? তো তুমনে কহা থা কি আজকে আমি দুধ খাইছি, আজ মানে দুধ খাওয়া থা, মনে হয় দুধ খানে সে মেরে পেট মে পেন হো গিয়া, দরদ হো গিয়া। এ বায়জীদ, বিমারি দেনে ওয়ালি জাত মেরি জাত হ্যায়, বিমার মে বানাতা হুঁ আর শেফা ভি মে দেতা হুঁ, কিন্তু তুমারা বিশ্বাস ইয়ে হুয়া কি তুমারে শরীর মে জো বিমারি আই, ও বিমারি তুমকো দুধ নে দিয়া, দুধ তো বিমারি নহি দেতা হ্যায়, বিমার করনে ওয়ালা তো মে হুঁ। কহাঁ হ্যায় তুমারা ঈমান মেরে উপর, তুমারা ঈমান তো দুধ কে উপর চলা গিয়া। বুঝছেন তো ভাই মেরি বাত সমঝ মে আ রহি ইয়া নহি আ রহি? আ রহি হ্যায়। বায়যীদ তো কাঁপনে লগে, ডরনে লগে, ইয়া আল্লাহ ইতনা ছোটা গলতি, ও তো ছোট ভুল আর উসকো ভি আপনে পকড় লিয়া, আব তো মেরা বেড়া পার নহি হোগা, মেরি গাড়ি আগে নহি চলেগি, শায়দ মুঝকো জাহান্নাম মে ডাল দিয়া জায়েগা। মেরে নওজওয়ান সাথিও সুনো, ধ্যান সে গৌর সে সুনো, আল্লাহ নে কাহা এ বায়যীদ, তোমার নামে আমালের ভিতরে একটা ছোট আমাল আছে, তুমি এ আমলটা বিলকুল এখলাস হিসাবে করছো, এখলাস দিয়া করছো, ও আমল হমনে কবুল কিয়া, আর উসি এক ছোটে আমল কে কারণ মেনে তুমারা সমস্ত গুনাহ আর পাপ কো মাফ কিয়া, আর মেনে তুমারে লিয়ে জান্নাত কা ফয়সলা কিয়া। এ ছোট আমল কিয়া সে, ঠান্ডি কা জামানা থা, জানুয়ারি কা ডিসেম্বর কা মহিনা থা, তুম আপনে রুম মে পলঙ্গ পর সোয়ে থে, লিহাফ লেকর সোয়ে থে, ব্ল্যাঙ্কেট ওড় কর সোয়ে থে, উসি টাইম মে তুমনে দেখা কি তুমারে রুম কে বাহার মে ইয়া রুম কে অন্দর মে মিকুড়ি কা বিল্লি কা এক ছোটা সা বচ্চা হ্যায়, আর উসকো ঠান্ডা লগ রহা হ্যায়, ও কাঁপ রহা হ্যায়, খুব বেশি ঠান্ডা লগ রহা হ্যায়। বায়যীদ তুমারে দিল মে রহম আয়া, তুমার দিলের ভিতরে মায়া পয়দা হইছে, তুমনে মিকুড়ি কে উস বচ্চে কো আপনে হাত মে উঠায়া, আর তুম আপনে লিহাফ কে নিচে আপনে সাথ উসকো আপনে তোশক পর ব্ল্যাঙ্কেট আর লিহাফ কে নিচে উসকো সুলায়া, উস বিল্লি কে বচ্চে কো গরমি লগি, আর গরমি লগনে কে বাদ উসকো আরাম মিলা। এ বায়যীদ তুমনে বিল্লি কে বচ্চে পর রহম কিয়া থা, ও মেরি এক মখলুক হ্যায়, মেনে হি উসকো পয়দা কিয়া, জো মেরি মখলুক পর রহম করেগা, মে উসকো জান্নাত মে নহি, মে উসকো জাহান্নাম মে নহি দুঙ্গা, যাও উস ছোটে আমল কে কারণ তোমারা সমস্ত পাপ মেনে মাফ কিয়া, আর তোমারে লিয়ে জান্নাত কা ফয়সলা। আমার ভাই ও বুজুর্গো আর দোস্তো, ইনসাফ করনা হ্যায় কিসকে সাথ? আল্লাহ কে সাথ ইনসাফ, আল্লাহ কে সাথ বেঈমানি নহি চলেগি, আল্লাহ কে সাথ বেঈমানি নহি চলেগি। নম্বর এক, নম্বর দো, আপনে শরীর কে সাথ ইনসাফ করনা হ্যায়, নিজর শরীরের লোগে আমরা ইনসাফ করতাম, নিজর শরীরের লোগে ইনসাফ করার মতলব হইলো আল্লাহ নে দিমাগ দিয়া আচ্ছি বাত কো সোচনে কে লিয়ে, আল্লাহ নে হাত দিয়া পায়ের দিয়া আচ্ছা কাম করনে কে লিয়ে, নেকি কা ভালাই কা কাম করনে কে লিয়ে, আল্লাহ নে কান দিয়া থা আজান কি কুরআন কি আওয়াজ সুননে কে লিয়ে, আল্লাহ নে আঁখ দিয়া থা আচ্ছি চিজ কো মসজিদ কে রাস্তে কো দেখ কর মসজিদ মে আনে কে লিয়ে। আমার ভাই ও বুজুর্গো আর দোস্তো, হমনে আপনে শরীর কে পার্টস কে সাথ, শরীরের যতটুক পার্টস আছে হমনে আপনে শরীর কে পার্টস কে সাথ ইনসাফ নহি কিয়া, আমরা নিজর শরীরের লোগে ইনসাফ করছি না। নওজওয়ান সাথিও কে পাস, সব কে পাস বড়া বড়া মোবাইল, আর আজকাল সবকে মোবাইল মে ইতনা জ্যাদা ডাটা আর ইতনা ফ্রি মে মিলতা হ্যায়, ইতনা জ্যাদা জিবি উসনে আপনে মোবাইল মে রাখা হ্যায়, রাত দিন চলতে ফিরতে উঠতে বৈঠতে সোতে জাগতে এয়ারফোন লগা হুয়া হ্যায়, ব্লুটুথ লগা হুয়া হ্যায়, আর রাস্তা চল রহা হ্যায়, বাইক চলা রহা হ্যায়, সাইকেল চলা রহা হ্যায়, হত্তা কে কোই আদমি ঠেলা চলাতা হ্যায়, ও ভি বাইক ইয়ে ও ভি মোবাইল কা ব্লুটুথ লগা কর এয়ারফোন লগা কর আর ও গানা সুনতে রাখতা হ্যায়, গানা সুনতে রাখতা হ্যায়, হমনে আপনে কান কে সাথ ইনসাফ নহি কিয়া। আল্লাহ নে আঁখ দিয়া থা হম কুরআন কো দেখ কর পড়েঙ্গে,
हदीस में आता है कि जो आदमी कुरान को देखकर पढ़ता है अल्लाह ताला उसको कभी अंधा नहीं बनाएगा, उसके चुप की रोशनी खत्म नहीं होगी। हमने कुरान को देखकर पढ़ना छोड़ दिया, हमने फजाइल आमाल की तालीम करना छोड़ दिया, मुंतसब अहादीस की तालीम करना छोड़ दिया, हमने अपने आप से मोबाइल में गंदा गंदा पिक्चर देखना, गंदा गंदा फिल्म देखना शुरू किया। कहां हमने अपने आंख के साथ इंसाफ किया? अल्लाह ने मुख दिया था सही बात बोलने के लिए, सही और सच बात बोलने के लिए। अब तो हमारे नौजवानों ने साल में एक दिन, बच्चर में एक दिन झूठ बोलने के लिए उसको फिक्स कर दिया। डेली तो बोलता ही बोलता है, जब चांस मिला, जब मौका मिला झूठ बोल दिया, किंतु बच्चर में एक दिन अप्रैल की पहली तारीख अप्रैल फुल मनाता है और उस दिन में सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलेगा। कोई कहेगा कि भाई तुमरा झूठ की तलाली मातो, मिथक की तला, झूठ क्यों बोल रहा है? तो वो कहेगा कि आपने जाने ना, आज के तो फुल अप्रैल, आज के तो एक अप्रैल, और एक अप्रैल को झूठ बोलना बिल्कुल जायज। याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैलुन वैलुन लिमन युहद्दिस फयकज़िब लियुज़हिक बिहिल क़ौम वैलुन लहू वैलुन लहू। जो आदमी झूठ बोलता है, और झूठ बोलने का मकसद क्या होता है? झूठ बोलने का मकसद हंसाना, कॉमेडी करना, ठट्टा करना, मजाक करना, वैसे ही फुर्ती करना। अगर कोई फुर्ती करने के लिए भी झूठ बोलता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए हलाकत है, बर्बादी है। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि वैल जहन्नम के अंदर एक जगह का नाम है और जहां सबसे बेसी अजाब होगा, सब तक ही बेसी कष्ट होएगो, सब तक ही बेसी शास्ति होएगो, वो जगह नाम होएलो वैल, झूठ बोलने वाले को उसी जगह में डाला जाएगा, उसी जगह में डाला जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, झूठ बोलकर व्यवसाय करोगे, व्यवसाय के अंदर बरकत नहीं होगी। एक बड़े एमएलए साहब ने इसी इलाके में एक दिन मुझको बतलाया था कि मौलाना आजकल के नौजवान कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे कैसे झूठ बोलते हैं। एक झूठ बोलने का सिंपल और नमूना उन्होंने बतलाया। हमार इलाकार भीतरे मासेर कारोबार से, मासेर छोटो छोटो बच्चा कोना लेकर बेचने के लिए जाता है, कोना बोलते हैं, छोटा छोटा बच्चा लेकर बेचने जाता है। एक डेग में बर्तन में लेकर गया और जो फिशरी का तालाब का मालिक है वो पूछता है कि भाई तुम्हारे डेग में, तुम्हारे डेगची में, बर्तन में कितना बच्चा है? वो लेकर गया 200, किंतु वो कहेगा 500 बच्चा है, 500 कोना है। अच्छा 500 है तो डाल दो भाई, झूठ बोल के डाल दिया। एक मर्तबा एक फिशरी के मालिक को सुबह हो गया, संदेह हो गया, शक हो गया, तो मछली का कोना लेकर एक लड़का आया, नौजवान लड़का, उसको पूछा इसमें कितना है? कहा कि इसमें तो 500 मछली का बच्चा है। कहा देखो हमको फिशरी में नहीं देना है, इस फिशरी में नहीं देना है, हमको हमारा दूसरा फिशरी है यहां से 5 किलोमीटर दूर, वहां जाकर हम ये मछली का बच्चा डालेगा। तुम अपना देर से, अपना बर्तन से हमारे बर्तन में गिन गिन कर बच्चा दे दो, काउंटिंग करके, और हमारे डेग में डालो। तो अब तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, या अल्लाह आज तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, हमने तो 200 लेकर आया और 500 बोला है। तो क्या किया, अब तो झूठ को तो छुपाना है। वो लेता है हाथ में, गिनता है, 1 2 3, गिनते 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 100 150 तक गिना। जब देखा कि अब खत्म होने वाला है और हमारा भूल और हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, तो अचानक उसने एक्टिंग किया और ऐसा लगा कि उसको मिर्गी आ गया, मिर्गी बीमारी कहते हैं ना उसको, मिर्गी की बीमारी आ गई और वो अपना डेक के ऊपर गिर गया और डेक का सारा पानी और सारा मछली, वहां जो फिशरी था उसके अंदर चला गया। और बाद में वो रोना शुरू किया कि भाई मैं तो 500 मछली लेकर आया था, सब आपके फिशरी में चला गया, अमी तो मात्रो 150 अपना रे दिसे, बाकी 350 मास हमारा
आंख के फिशरी में चला गया, रो रो कर उसने बयान करना शुरू कर दिया। झूठ बोलने का ये तरीका, झूठ बोलोगे, झूठ बोलकर बिजनेस करोगे, झूठ बोलकर व्यवसाय करोगे, उस व्यवसाय और बिजनेस के अंदर बरकत नहीं होगी, कारोबार में बरकत नहीं होगी। और अगर सच बोलकर बिजनेस करोगे, हदीस में आया तिर्मिजी शरीफ रिवायत, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मान नबीयीन वस्सिद्दीकीन वस्सुहादा वस्सालिहीन और कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम। व्यवसाय करने वाला अगर अमानतदारी के साथ व्यवसाय करता है, अमानत में खयानत नहीं करता है और झूठ नहीं बोलता है, सच बोलकर अपना कारोबार और बिजनेस करता है, मरने के बाद में जहां बड़े बड़े सहाबा को, सिद्दीक शहीद को रखा जाएगा, जन्नत के उसी मकाम और उसी मर्तबे में व्यवसाय करने वाले मोइराबाड़ी के इस इलाके के बिजनेसमैन को, ताजिर को और व्यवसाय करने वाले को भी उसी जन्नत में रखा जाएगा, किंतु झूठ छोड़ना पड़ेगा, सच बोलकर व्यवसाय करना पड़ेगा। तो अल्लाह ने मुख दिया था सच बोलने के लिए, हमने और आपने झूठ बोलना शुरू किया। अल्लाह ने ये मुख दिया था हलाल माल खाने के लिए, हमने और आपने इस मुख से हराम माल खाना शुरू किया। क्या क्या है हराम? हराम का अगर लिस्ट बनाया जाएगा बहुत होगा, मात्र एक ता हराम हम अपना सामने बयान करें। पराय नौजुबक के अंदर ये बीमारी आम हो रही है, और वो बीमारी है क्या? शराब पीने की, मौत खाने की, दारू, गंजा, भांग, चरस, अफीम और ड्रग्स यूज करने की बीमारी। और आजकल तो इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया, अब बोतल लेकर घर नहीं आना है, दारू लेकर घर में नहीं आना है, दारू लेकर आएगा अम्मा देखेगी, अब्बा देखेगा, वो गाली देगा, हो सकता है दो चार थप्पड़ भी लगा देगा। अब तो टैबलेट मिलने लगा। नौजवान जाता है मार्केट और टैबलेट लेकर आता है और रात के टाइम में टैबलेट खाकर आराम से सो जाता है, माँ को भी पता नहीं, बाप को भी पता नहीं, वो समझता है कि नौज बिल्ला अल्लाह को भी पता नहीं। नौजवानों याद रखो, खुदा की कसम जो आदमी इस दुनिया में मौत खाएगा, टेबलेट का यूज करेगा, मरने के बाद उसके लिए जन्नत जाना बहुत मुश्किल होगा। हदीस में आया अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इस दुनिया में मौत पान करता है, जे मानुष ए दुनिया मौत खाए, मोरार पूरे जन्नत हो जावा तो मुश्किल, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। एक हदीस में आया अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी मौत खाता है, जो आदमी शराब पीता है, टैबलेट खाता है, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। मौत खाने वाला अपने अकल को भी बर्बाद करता है, अपने शरीर को भी बर्बाद करता है, उसका किडनी भी कब फेल हो जाएगा अल्लाह ही बेहतर जानता है, उसकी शक्ल और सूरत भी खराब हो जाती है। मौत पान करने वाला पराय जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी सुंदरता और उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसीलिए कुरान में और हदीस में सख्ती के साथ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और खुद अल्लाह ताला ने मद खाने से इंसानों को मना किया। हदीस में आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत, शराब, टैबलेट, गंजा, चर्स, दारू, ये सब के सब उम्मुल फवाहिश है, उम्मुल खबाइश है, तमाम पापेर सब तक ही बड़ो पाप, तमाम पापेर बुनियाद मौत, नशा, शराब। चुनांचे हदीस में आया अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में हजरत मूसा अलैहि सलामेर कौमेर भित्रे एक जन बड़ो आबिद अल्लाह वली बड़ो बुजुर्ग आसिल, रात दिन अल्लाह की इबादत करता था। उसी गांव में या उसी शहर में एक औरत थी, एक जन बेटी मानुष, बड़ो सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर।
उस लेडीज ने, उस महिला ने एक दिन अल्लाह के वली के पास एक आदमी को भेजा कि जाओ और उसको बुला कर लाओ, थोड़ा मेरे घर में कुछ काम है, खत्म पड़वाना है, पानी दम करवाना है, उसको बुला के लाओ। वो गया और उस बुजुर्ग से कहा कि उमुक ने बुलाया है आपको, दो चार मिनट, पांच दस मिनट का काम है, चलिए। वो आए, आने के बाद जब वो गेट के अंदर घुसा तो खादिम ने, नौकर ने अंदर से गेट का ताला लॉक कर दिया। जब वो फ्लैट के अंदर, बिल्डिंग के अंदर गया, बिल्डिंग का ताला भी लॉक कर दिया। जितना अंदर जाता था सारा ताला लॉक 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 लॉक। जिस जगह में वो बेटी मानुष, वो महिला और वो लेडीज बैठी हुई थी, ये बुजुर्ग वहां पर गया और ये बुजुर्ग उसको नहीं देख रहा, ये तो अल्लाह का वली है, अपना नीचे नजर करके गया, आंख को नीचे करके गया। बाद में उस महिला ने कहा कि आपने तो बड़ो वली, अल्लाह बुजुर्ग, अल्लाह वली मानुष, अपने अमार बाड़ी तैसन एखन अमार हुकूमत अपने सामने तीनटा ऑप्शन आसे, तीन काम में से कोई एक काम करना पड़ेगा, और जदि तीन कामेर भीतरे ताकि कोनो एकटा काम जदि अपने करें ना तो मैं चिल्लाऊंगी, लोगों को बुलाऊंगी और बुलाकर ये बताऊंगी कि ये कैसा अल्लाह का वली है, ये मेरे साथ खराब काम करने के लिए मेरे घर में आया, मैं तुमको जलील और रुस्वा कर दूंगी, मैं तुमको बदनाम कर दूंगी, बेइज्जत कर दूंगी। तीन काम है, तीन काम में से कोई काम करना ही पड़ेगा। नंबर एक, ये शराब का बोतल, मौत का बोतल रखा हुआ है, मौत का गिलास रखा हुआ है, या तो तुम मौत खाओ, नंबर एक। नंबर दो, या तो मेरे साथ खराब काम करो, जिना करो, मेरी ख्वाहिश को पूरी करो, या ये मेरे इस बगल में ये पांच सात साल दस साल का ये जो बच्चा है, तुम इस बच्चे को कत्ल कर दो, इसको जान से मार दो। मैं अपनी बात नहीं, हदीस की बात सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब वो बुजुर्ग परेशान, अल्लाह शराब पीना भी हराम, जिना करना भी हराम, कत्ल करना भी हराम, मैं क्या करूं, अगर मैं कोई काम नहीं करूंगा तो ये तो मुझको बेइज्जत कर देगी, हुत्ता ये मुझको बेइज्जत करके और सारे लोगों में चर्चा हो जाएगा, मशहूर हो जाएगा कि मैं तो बड़ा पापी आदमी हूं। उसने चिंता किया, बाद में उसने कहा कि अगर मैं ये बच्चा को कत्ल करूंगा तो एक आदमी को कत्ल करना गोया के पूरी दुनिया के लोगों को कत्ल करना, मैं इसको कत्ल नहीं करूंगा। ये नौजवान खूबसूरत लड़की है, औरत है, जिना करना भी तो बहुत बड़ा पाप है, मैं जिना भी नहीं करूंगा, ये बोतल में गिलास में मौत रखा हुआ है, मैं इसको पी लेता हूं, थोड़े देर के लिए नशा आएगा, बाद में नशा खत्म हो जाएगा, मैं अल्लाह से तौबा कर लूंगा, अल्लाह से रो रो कर कहूंगा, ए अल्लाह अमी बड़ो पाप कोसी, अपने बड़ो गफूर रहीम, ए अल्लाह अमार पाप का अपने माफ करिया दुख का, मैं मौत खा लेता हूं, शराब पी लेता हूं, बाद में मैं अल्लाह से तौबा कर लूंगा। उसको हल्का छोटा गुनाह समझकर और उसने शराब लिया, मौत लिया और उसको पी लिया। कभी तो शराब पिया नहीं था, कभी नहीं पिया था, जैसे ही शराब पिया तो अब तो पूरा दुनिया का बादशाह बन गया वो, बिल क्लिंटन, या यूं कहिए अभी तो नया बना बाइडन, पूरा दुनिया का अपने आप को बादशाह समझने लगा। और नशे में जब आया, नशे में आने के बाद वो जो नौजवान लड़की थी उसके साथ जिना भी किया, नशे में आने के बाद। जिना करने के बाद दिल में ख्याल आया कि ये जो लड़का है ये तो जब लोगों के पास जाएगा तो जाकर लोगों से कहेगा कि ये कैसा अल्लाह का वली और बुजुर्ग है, इसने तो मौत भी खाया था और इसने तो उमुक महिला के साथ जिना भी किया था, ये कैसा बुजुर्ग है, तुम इसको बुजुर्ग मत कहो, ये तो मेरे गुनाह का चर्चा करेगा, लोगों को जाकर बताएगा। तो उसने बाद में वहां छुरी चाकू रखा हुआ था, चाकू लिया और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। मेरे नौजवान साथियों, शराब, मौत, ये उम्मुल खबाइस है,
तमाम गुनाहों की जड़ और तमाम गुनाहों की बुनियाद। अल्लाह के वास्ते शराब पीना छोड़ दो, शराब पान करना छोड़ दो। कादी फुज़ैल इब्ने अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक घटना लिखा कि एक नौजवान लड़का था, वो कभी कभी शराब पीता था, कभी कभी मौत खाता था। मरने का टाइम आ गया, मैं उसके पास गया और जाकर मैंने उसको तलकीन किया, उसके पास जाकर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना आरंभ किया। मरने का टाइम है, कलमा पढ़ के मरेगा अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन वो नौजवान लड़का कहता, ना ना अमी कलमा पढ़तम ना, अमी कलमा नौज बिल्ला, अमी कलमा पढ़तम ना। साफ उसने इनकार कर दिया। खैर वो मर गया। मरने के बाद फुज़ैल इब्ने अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में सपना में देखा कि वो नौजवान जहन्नम में है, उसको घसीट कर पकड़ कर फरिश्ता जहन्नम में लेकर जा रहा। तो फुज़ैल इब्ने अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि अरे तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो, तुमको जहन्नम में क्यों ले जाया जा रहा है? मैंने मरने के टाइम में तुमको कलमा पढ़ने के लिए कहा, तलकीन किया, तुमने कलमा पढ़ने से इनकार किया, क्या बात है? तो उस नौजवान ने कहा कि हुजूर, मैं जब दुनिया में था तो कभी 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 मैं मौत खा लेता था, शराब पी लेता था। उसी शराब पीने की नुहूसत है कि मरने के टाइम में कलमा हमको नसीब नहीं हुआ, कलमा हमको नसीब नहीं हुआ, कलमे पर मेरी मौत नहीं आई, इसीलिए आज मुझको जहन्नम में डाला जा रहा। मेरे नौजवान साथियों, नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला, अगर हम और आप भी जहन्नम में जाना चाहते हैं, और यकीनन कभी भी कोई नहीं चाहेगा कि हम और आप जहन्नम में जाएं, हमारा भाई हमारा बंधु कोई जहन्नम में जाए, कोई भी नहीं चाहेगा। जब नहीं चाहेगा तो एक हदीस पे अमल करके दिखलाओ, और वो हदीस ये है कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, कम से कम 10 जगह पर ये रिवायत बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं कि मैं अपने सौतीले बाप, यानी वो मेरा अपना बाप नहीं था, मेरी मां का शौहर था, लेकिन मेरा जो अपना बाप था वो दूसरा था। सौतीला को क्या कहते हैं, होता ना? खैर सौतीला बाप उनके घर में था, और वहां पर शराब अभी अल्लाह ने हराम नहीं किया था, लोग सहाबे किराम भी शराब पी रहे थे। और हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं कि मैं शराब पिला रहा था, मौत खिला रहा था, उसी टाइम में किसी ने आकर ऐलान किया कि अल्लाह ताला ने शराब को हराम कर दिया, शराब पी रहा है, शराब का पेक तैयार हो रहा है, गिलास में डाला गया, और उसी टाइम में खबर आई कि शराब को मौत को हराम कर दिया। जब ये खबर आई तो हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अनु ने कहा, ए अनस बस छोड़ दो, और शराब किसी को मत पिलाओ, अगर किसी के हाथ में शराब का गिलास था तो उसने उस गिलास के शराब को फेंक दिया, किसी ने मुंह में अगर ले लिया था पीने के लिए तो उसको अंदर पेट में नहीं ले गया बल्कि मुंह में था, जल्दी से जाकर उसको फेंका और पानी से अपने मुंह को साफ किया। नौजवान साथियों, अगर खुदा न खास्ता आप में से किसी की आदत है, आज आपने शराब की नुहूसत को और शराब कितना बड़ा पाप है, जब आपने इसको सुन लिया, अल्लाह के वास्ते उस टैबलेट को, उस मौत को, उस गंजा को और उस दारू को, उस चर्स को आज ही अपने हाथ से जाकर उसको फेंको और अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह ताला हमको और आपको शराब की नुहूसत से बचा कर रखे, आमीन। तो ये एक गुनाह, अपने शरीर के साथ इंसाफ करना, बात लंबी होते जा रही है, नंबर दो। नंबर तीन, इंसाफ का एक मतलब मैंने बतलाया, अल्लाह के साथ इंसाफ करना है। इंसाफ का दूसरा मतलब मैंने बतलाया, अपने शरीर के साथ इंसाफ करना है। और नंबर तीन, इंसाफ करना है दुनिया जो तो मखलूकात आसे, समस्तो मखलूकात के साथ इंसाफ करना है, समस्तो मखलूकात। अगर बारी के अंदर मुरुग है तो मुरुग के साथ भी इंसाफ करना है, बारी भीतरे मांस आसे, मांस के साथ भी इंसाफ करना है। बारी के भीतर में अगर आपने हंस पाल के रखा है, ताकि मैना अगर है, कुकुर है, मिकुरी है, उसके साथ भी इंसाफ करो। मुस्लिम शरीफ की रिवायत, अभी परसों मैंने पढ़ाया, एक रिवायत में आया कि एक औरत
अपने घर में एक निकुरी रखती थी, बिल्ली रखती थी, उस औरत ने उस बिल्ली को बांध कर रखा, उसको छोड़ा नहीं और उसको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिकुरी को उसने कष्ट दिया, मिकुरी के साथ इंसाफ नहीं किया, अल्लाह ने उसको सीधा जहन्नम में डाला, जहन्नम में डाला। तो दुनिया के समस्त मखलूक के साथ इंसाफ करना है। दो बात यहां मैं बताकर आगे बढ़ूंगा। नंबर एक, अपनी वाइफ और अपनी बीवी के साथ इंसाफ करना। जब आदमी मौत पान करता है, शराब पीता है, नशे में आता है, नशे में जब घर आता है तो सबसे पहले वो जुल्म करता है अपनी बीवी पर, सबसे पहले वो अत्याचार करता है अपनी बीवी के ऊपर। बारी में आया, खाना दिया, थोड़ा सा ठंडा हो गया था, डंडा लेकर लाठी लेकर और बीवी की पिटाई आरंभ कर देगा, थप्पड़ लगाएगा और गुस्से में आएगा, नशे की हालत में तलाक भी दे देगा। बाद में मुफ्ती साहब के पास जाकर पूछेगा, मुफ्ती साहब मुझसे गलती हो गई, मैं शराब पीकर आया था, थोड़ा नशा भी था, गुस्सा भी आ गया, गुस्से में मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। रागेर भितरे तलाक दिले तलाक ओइबोनी, रागेर भितरे तलाक दिले तलाक ओइबोनी। मुफ्ती साहब को जवाब देना चाहिए कि भाई ऐसा करो कि तुम राग मत करो। हाँ, एक आदमी उसका उदाहरण और मिसाल देकर समझाए कि आदमी तलाक कब देता है। बीवी ने बढ़िया बढ़िया खाना का आइटम बनाया और शामी को बड़ा अच्छा लगा, खुश है, बीवी के लिए साड़ी और बीवी के लिए ड्रेस लिबास लेकर आया बढ़िया से, बीवी भी बहुत अच्छी खिदमत कर रही है। अब उस टाइम में उसका शामी कहेगा कि तुम्ही तो अमार बीवी, अमी बड़ो खुश, ओतो बेसी खुश, ओतो बेसी खुश, आज मैंने खुश होकर तुमको तीन तलाक दिया। कोई ऐसा तलाक देता है खुशी से? कोई नहीं तलाक देता है। तलाक देगा या तो झगड़ा होने के बाद या गुस्सा करने के बाद। मेरे नौजवान साथियों, अपनी बीवी के साथ इंसाफ करोगे, अपने बीवी का हक अदा करोगे तो जन्नती बनोगे। हदीस में आया, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नौजवान बड़ा पापी था, बड़ा पापी था। एक दिन वो मार्केट से अपने घर में आया, उसकी वाइफ नौजवान थी, बिल्कुल जवान खूबसूरत थी। जब उसका शामी घर में नहीं था तो मोबाइल से किसी नौजवान को फोन करके अपने घर में बुलाया और उसकी वाइफ ने, उसकी बीवी ने उस दूसरे नौजवान के साथ गलत काम किया, जिनाकारी किया। जब उसका शामी घर में आया तो किसी ने बता दिया कि आज तो तुम्हारे घर में गड़बड़ हो गया, बहुत गुनाह का काम हुआ। तो वो नौजवान गुस्से में आया, हाथ में डंडा लिया, लाठी लिया, अपनी बीवी को बुलाया। उसने प्लान बना लिया था कि आज मैं अपनी वाइफ की खूब पिटाई करूंगा और बाद में मैं धक्का देकर, तलाक देकर इसको घर से निकालूंगा। किंतु जब वाइफ बीवी सामने आई तो उसने पैर पकड़ लिया, हाथ जोड़कर माफी मांगा और कहा कि अपने अमार शामी, अपने अमार जिंदगी, अपने अमार जीवन, शैतान ने मेरे ऊपर हमला किया, गुमराह किया और मैंने आज वो काम किया जो काम नहीं करना चाहिए था। जिंदगी आर कोनो दिन पापेर काम करमोना, जिंदगी आर कोनो दिन अमी जेनार काज करमोना, अपने अमार शामी, अमी अपनर बीवी, अल्लाह के वास्ते आप हमको माफ कर दो, अल्लाह के वास्ते आज आप हमको माफ कर दो, और जिंदगी में कभी भूल नहीं करेगा। उस नौजवान के दिल में ख्याल आया कि भाई ये भी तो अल्लाह की बंदी है, ये भी तो एक इंसान है, गलती हो गई, भूल हो गया, और जब ये तौबा कर रही है, माफी मांग रही है, मेरा पैर पकड़ रही है, चलो मैंने अपनी बीवी को माफ कर दिया। उसने माफ कर दिया। मरने के बाद अल्लाह तबारक व ताला फरिश्ते से कहेगा, ओ फरिश्ता, ये जो नौजवान है इसको तुम जन्नत में ले जाकर दाखिल कर दो, जन्नत में ले जाकर दाखिल कर दो। फरिश्ता उस नौजवान को जन्नत में लेकर जाएगा। वो नौजवान फरिश्ता से पूछेगा कि तुम हमको कहां ले जा रहे हो, मैं कहां ले जा रहे हो? फरिश्ता कहेगा कि अल्लाह ने कहा है जन्नत में ले जाने के लिए, अमी तुम्हारे जन्नतों लुया जाती सी, जन्नत में लेकर जा रहा हूं। हे नौजूबा कोई बो, अमार लखन पापी मानूस, मेरे तरह कोई गुनाहगार आदमी क्या वो जन्नत में जाएगा? ना, मरो कोई तुम्हार हुनत भूलो, इसे
तुमने अल्लाह की बात को सही से नहीं सुना है। अल्लाह ने मेरे बारे में दोजक का जहन्नम का फैसला किया, तुमसे सुनने में गलती हुई, तुम जाओ और जाकर अल्लाह से फिर पूछो कि मुझको जहन्नम में देना है न जन्नत में देना है। फरिश्ता कहेगा, यार तुम अजीब आदमी है, मैं फरिश्ता हूं, अल्लाह ने मुझसे कहा जन्नत में ले जाने के लिए, अभी तुम्हारे जन्नत तो लुइया जाते सी, बिल्कुल मैंने सही सुना, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। वो नौजवान तजिया करेगा, इख्तलाफ करेगा, बार बार कहेगा ना ना, फिर तुम जाओ अल्लाह के पास से पूछ कर आओ। वो फरिश्ता आएगा और अल्लाह से कहेगा, ए अल्लाह, ये तुम्हारा बंदा तो अजीब बंदा है, सब आदमी जन्नत में जाने के लिए परेशान और मैं इसको जन्नत में लेकर जा रहा हूं, ये जन्नत में जाना ही नहीं चाहता। अल्लाह कहेगा, जाओ उसको बुला कर लाओ मेरे पास, बुलाओ मेरे पास। एक पर्दा रखेगा, पर्दा के उस साइड में नौजवान और इस साइड में अल्लाह होगा। अल्लाह कहेगा, अरे नौजवान, ए मेरे बंदे, अभी तुम्हार जन्ने जन्नत और फैसला कुर्सी, मैंने तुमको जन्नत में भेजा, तुम जन्नत में जाने के लिए तैयार और राजी क्यों नहीं है, तुम्हार जन्नत लगे नहीं। मेरे नौजवान साथियों, तौबा करने वाले को कैसे अल्लाह जन्नत देता है? वो नौजवान कहेगा, ए अल्लाह, अमार लाखन पापी मानुष के, मेरी तरह से गुनाहगार आदमी को क्या आप जन्नत में देंगे? मैं इतना गुनाह किया, इतना पापेर काज कुर्सी, अमार लाखन पापी मानुष ना कोनो दिन जन्नत हो जाइबो ना। अल्लाह कहेगा, ए मेरे बंदे, तुमने मेरी एक बंदी को माफ किया था, तुमने अपनी वाइफ और अपनी बीवी के साथ रहम का मामला किया, तुमने उसकी गलती को माफ किया था, तुमने उसके पाप को और गुनाह को माफ किया था, मैंने उस बंदी के माफ करने के कारण मैंने तुम्हारे पाप को और तुम्हारे गुनाह को माफ किया और तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला किया, तुम जाओ सीधा जन्नत में जाओ, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। मेरे नौजवान साथियों, अपनी वाइफ के साथ इंसाफ करो, अपनी बीवी के साथ इंसाफ करो। नंबर दो, शादी होने के बाद हर माँ बाप की ख्वाहिश, हर शख्स की ख्वाहिश होती है, चाहिदा और तमन्ना होता है कि अल्लाह ताला मुझको बाप बना दे, अल्लाह मुझको बाप बना दे। लड़का हुआ, बच्चा हुआ, लड़की हुई, सेले हुआ, मैं हुआ, जो भी हुआ, मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के वास्ते अपने लड़के बच्चे के दीन की फिक्र करो, उसको मुसलमान बनाने की फिक्र करो। कॉलेज में पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, जहां पढ़ाना है वहां पढ़ाओ, किंतु स्कूल कॉलेज से पहले अपने लड़के को दीन का शिक्षा और दीनी तरबियत का उसका इंतजाम कर दो। डॉक्टर बन के आएगा, इंजीनियर बन के आएगा, हाँ MBBS बनकर आएगा या और बड़ा डिग्री और बड़ा ओहदा लेकर आएगा, अगर उसके अंदर दीनदारी नहीं होगी तो जिस बच्चे की पढ़ाई के ऊपर लाखों लाख करोड़ों करोड़ आपने खर्चा किया, वो बच्चा आपके लिए एक पारा, आधा पारा, एक पौवा, एक पेज कुरान पढ़ के आपके लिए इसाले सवाब नहीं करेगा। इसलिए अपने लड़के बच्चे के साथ इंसाफ करो। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ का। एक घंटा से ज्यादा हो गया, मैं बात खत्म करूंगा, मुझको जाना भी है। जल्दी जल्दी से आयत का मैं अब तर्जमा करके अपनी बात खत्म कर दूं। अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ का, नंबर एक। नंबर दो, वल एहसान, अल्लाह ताला हुक्म देता है एहसान का। एहसान का मतलब क्या है? एहसान का मतलब है, हदीस में आया, हदीस जिब्राइल जिसको कहा जाता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मल एहसान, एहसान की वस्तु, एहसान की जिनिस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंताबुदल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। इस हदीस का मतलब यह है कि आदमी, इंसान, खास करके ईमान वाला मुसलमान, हर टाइम में अपने दिल में, दिमाग में ये ख्याल रखे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं, अभी अल्लाह के देखते सी, और यदि इतना नहीं हो सकता है तो ये सोचे, ये ख्याल रखे कि हर टाइम में अल्लाह हमको देख रहा है, अल्लाह हमारे सामने आसे, अल्लाह हमको देख रहा है। जब मालिक हमको देख रहा है तो अब कोई अपने काम में बेईमानी नहीं करेगा, कोई चोरी नहीं करेगा,
जो भी काम करेगा सही से करेगा, नमाज पढ़ेगा ठीक से नमाज पढ़ेगा, दान खैरात करेगा सही से दान खैरात करेगा, रोजा रखेगा सही से रोजा रखेगा। ऐसा नहीं कि दिल में ईमान, तबलीगी जमात में गया, चिल्ला में गया और चिल्ला से आने के बाद फिर झूठ बोल रहा है, चिल्ला से आने के बाद फिर बेईमानी कर रहा है। इसका मतलब है जब चिल्ला में था अल्लाह तुम्हारे साथ था, और जब चिल्ला खत्म हो गया तो नौजबिल्ला अल्लाह दूर हो गया। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक घटना किताबों में मिलता है, ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह पर जा रहे थे, उनका खादिम नौकर साथ में था, कुछ दूर जाने के बाद भूख लग गई तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा देखो यहां करीब में मोइरा बाड़ी बाजार है, मेरे पास एक रुपया है, तुम्हारे पास अगर कुछ पैसा है तो जाओ खाना लेकर आओ रोटी लेकर आओ। तो खादिम ने कहा मेरे पास 2 रुपया है, 2 रुपया खादिम ने दिया नौकर ने और 1 रुपया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया। कहा जाओ, वो बाजार गया, 3 रुपया में 3 रोटी मिला। भाई बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? नहीं समझ रहा, बात खत्म कर दूं? भाई समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? हाँ, 3 रुपया में 3 रोटी पैसे। जब वो रोटी लेकर आने लगा तो दिलेर भीतरे ख्याल आए लो कि मुझको तो 3 रोटी मिली है, अमी तो 2 टका दिसे और अमर हुजूरे तो 1 टका दिसे, मैं 3 रोटी लेकर जाऊंगा, हुजूर 1 रोटी खाएगा मैं भी 1 रोटी खाऊंगा, बाद में जो 1 रोटी बच जाएगी तो हुजूर कहेगा आधा मुझको दे दो आधा तुम खा लो। तो हुजूर ने 1 रुपया दिया किंतु रोटी तो मिलेगी देर, और अभी 2 टका दिसी और हमको भी मिलेगा देर, तो हमको ज्यादा पैसा देने का तो कोई लाभ नहीं हुआ। रास्ते में आने के टाइम में उसने 1 रोटी रास्ते में खा लिया, रास्ते में 1 रोटी खा लिया और हुजूर के पास 2 रोटी लेकर आया। हुजूर ने कहा कि 3 टका में कितना रोटी मिला? कहा कि हुजूर मोइरा बाड़ी टाउन बाजार बहुत कॉस्टली बहुत दामी है, 3 टका में 2 ही रोटी दिया। झूठ बोल रहा है, नबी की खिदमत कर रहा है झूठ बोल रहा है, 3 टका में 2 रोटी दिया। हुजूर ने कहा इतना महंगा है क्या, इतना दाम है? कभी हुजूर 3 टका 2 रोटी पैसी। कहा चलो 2 रोटी तो मैं 1 खा लेता हूं तुम 1 खा लो, खा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उनको तो पता चल गया, अल्लाह ने बता दिया। कुछ दूर गए, जाने के बाद एक नदी आ गया ब्रह्मपुत्र, नदी के उस पार में जाना था तो खादिम ने कहा कि हुजूर ये नदी है ब्रह्मपुत्र है, ये तो पगला नदी है और इसमें इतना पानी है उस पार में कैसे जाएगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा कपड़ा पकड़ो पीछे से, मैं आगे आगे जाऊंगा तुम पीछे पीछे, कोई कष्ट और कोई तकलीफ तुम्हारा कोई खती नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला ने पानी को रोक दिया, ईसा अलैहिस्सलाम आगे आगे, उनका खादिम पीछे पीछे, एक साइड से दूसरे साइड में चले गए। नदी को पार करने के बाद खादिम ने कहा कि हुजूर अपना जे मोजिजा और करामत, आज फर्जन तो ओतो बड़ो मोजिजा और करामत देखसीना, आज जो आपने काम किया इस काम को देखकर अमार ईमान टा तो बहुत मजबूत हो गई, हमारा ईमान बिल्कुल मजबूत हो गया, अमार दिलेर भीतरे एखन कोनो शक शुबा नाय कोनो संदेह नाय, अपने अल्लाहर एकजन बड़ो नबी और अमी अपनार उपरे ईमान आनतेछि और अमार ईमान टा बहुत मजबूत होइछे। हजरत ईसा अलैहि सलाम ने कहा कि सही माने में तुम्हारा ईमान मजबूत हुआ? का जी हां। का अगर तुम्हारा ईमान मजबूत हो गया तो बताओ 3 रुपया में रोटी कितना मिला था, रोटी कितना मिला था? तो खादिम ने कहा हुजूर 3 रुपया में रोटी तो 2 ही मिला था। चिल्ला लगा कर आया, निजामुद्दीन में तरतीब लगा कर आया, हदीस मुहद्दिस साहब हदीस पढ़ा कर आए, मुफ्ती साहब फतवा देकर आए और आने के बाद झूठ बोल रहा, ईमान मजबूत हो गया और कह रहा 3 रुपया में 2 रोटी मिला। कहा चलो कोई बात नहीं, अगर 2 रोटी मिला आगे चलो। कुछ दूर जाने के बाद फिर भूख लग गई, खादिम ने कहा कि हुजूर भूख लग गई, अब कहां से मिलेगा खाना, अब तो टाका पैसा खत्म हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा रुको यहीं पे रुको। सामने से कोई एक तो हरिन जा रहा था, हरिन कहते हैं ना, हाँ हरिन जा रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम ने इशारा किया ओ हरिन यहां आओ, तो एक हरिन सामने आ गया।
और फरिश्ता आया, जो भी आया उसको जबह किया और उसका मांसो रेडी कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी पेट भर के खाया और उनके खादिम ने भी पेट भर के खाया। बाद में ईसा अलैहिस्सलाम ने हरीम की तरफ इशारा किया और कहा, ए हरीम कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर तुम जिंदा हो जाओ, अल्लाह का नाम लेकर तुम जीवित तो हो जाओ। वो हरीम जिंदा हो गया और जिधर से आया था उधर दौड़ दे के फिर चला गया। खादिम ने जब ये देखा तो कहा, हुजूर या अल्लाह, अपने उतो बड़ो नबी नहीं, इतना बड़ा आप नबी है, आपने जो काम किया इस काम को देखकर हमारे ईमान तो मजबूत हुआ ही हुआ, ईमानेर नूर और ईमानेर रोशनी, ईमानेर प्रकाश, ईमानेर लाइट हमारे दिल के अंदर खूब बिल्कुल हमारा दिल मुनव्वर हो गया, ईमान के नूर से जगमगाने लगा। ईसा अलैहि सलाम ने कहा, इतना ईमान मजबूत हुआ, इतना ईमान का नूर हुआ, अगर इतना ज्यादा नूर पैदा हुआ तो बताओ 3 रुपये में रोटी कितनी मिली थी। खादिम ने कहा, हजरत रोटी तो 2 ही मिली थी। हाय रे ईमानेर नूर, हाय रे ईमानेर नूर, रोटी तो 2 ही मिली थी। कहा, अच्छा 2 ही रोटी मिली थी, चलो कोई बात नहीं। आगे गया, एक पहाड़ था, पहाड़ के नीचे में जाकर बैठे, वहां पर सोना का 3 ईंट रखा हुआ था, 3 ईंट था सोना का था। ईसा अलैहि सलाम ने कहा कि भाई हम लोग तो 2 आदमी हैं और ईंट 3 है, सोना का ईंट है, 1 ईंट में लाखों लाख रुपया मिलेगा, किंतु ईंट 3 आदमी 2, इसका हिस्सा कैसे लगाएगा। तो ईसा अलैहि सलाम ने कहा कि जो आदमी 2 रोटी खाया है उसको 2 ईंट मिलेगी और जिसने 1 रोटी खाया उसको 1 ईंट मिलेगी। खादिम ने कहा, हुजूर मैंने तो 2 रोटी खाया था, मैं आपसे झूठ बोला, मैं रास्ते में 1 रोटी खा लिया और 1 रोटी आपके पास खाया, मैंने 2 रोटी खाया था, मुझको 2 ईंट दे दो। यह है ईमान का नूर और यह है ईमान की मजबूती। ईसा अलैहि सलाम ने कहा, भाई मुझको 1 भी नहीं चाहिए, 3 ईंट लो और जाओ, तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो, जाओ भागो। वो नौजवान एक तरफ, ईसा अलैहि सलाम एक तरफ, वो नौजवान जब जा रहे थे तो उधर जंगल की तरफ से 3 डाकू आ रहा था। उसने देखा कि नौजवान अकेला है, इसके पास सोने की 3 ईंट है, तो उसको पकड़ा, बांधा और ठीक से मारा और उस पर तलवार चलाया, चाकू छुरी से जान से उसको मार दिया और 3 ईंट, उन 3 ने 1-1 ईंट ले लिया। डाकू था, कहा, भाई इतना माल मिला है, अब बैठो यहां। एक आदमी को कहा कि तुम जाओ बाजार में और वहां से खाना लाओ और मौज लाओ, खाएगा पिएगा मस्ती करेगा, फिर उसके बाद 1-1 ईंट लेकर अपना घर में जाएगा। तो एक आदमी खाना लाने के लिए गया, 2 आदमी वहां पर ईंट के पास बैठा हुआ है। जब वो खाना लाने के लिए गया तो उन दोनों ने प्लान बनाया कि वो तो अकेला है, जब खाना लेकर आएगा, जैसे ही खाना रखेगा, हम लोग दोनों मिलकर उस पर वार करेगा, हमला करेगा, उसको जान से मार देगा, तो उसका ईंट भी 50-50 हम लोगों को मिल जाएगा, हमको आधा तुमको आधा, 1.5 ईंट 1.5 ईंट दोनों को मिल जाएगा। वो जो खाना लेने के लिए गया उसने प्लान बनाया कि अच्छा मुझको खाना लाने के लिए भेजा है, होटल में बैठकर ठीक से खा लिया, और जब खाना लेकर आने लगा तो दुकान में जाकर उसने बीच लिया, जहर पॉइजन लिया, और उस खाने में मिला दिया कि मैं ये खाना लेकर जाऊंगा, वो दोनों खाएगा, खाने के बाद दोनों मर जाएगा और सोने की 3 ईंट मुझको मिल जाएगी। हाय रे अल्लाह, अल्लाह का करिश्मा देखो। वो खाना लेकर आया, दोनों ने मिलकर उसको जान से मार दिया, दोनों ने मिलकर खाना खाया और खाना खाने के बाद पॉइजन का, विष का जहर फैला, आहिस्ते आहिस्ते 10-15 मिनट के अंदर वो दोनों भी मर गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपना काम करके जब वापस आए तो आकर देखा कि सोने का 3 ईंट वहां पर रखा हुआ है और 4 डेड बॉडी भी वहां पर पड़ा हुआ है, 4 डेड बॉडी वहां पर पड़ा हुआ है और 3 सोने का ईंट वहां पर रखा हुआ है। तकदीर, भाग्य, किस्मत, ये तदबीर पर गालिब होती है, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, हम और आप जितना भी चालें होने वाला नहीं। तो मेरे नौजवान साथियों, एहसान को मैं बतला रहा था, एहसान का मतलब है हर टाइम में अल्लाह को अपने सामने ख्याल करो।
वह ईता ईदिल कुर्बा तीसरा काम है कि खास करके अल्लाह ने टाका पैसा माल दौलत दिया है तो अपने भाई का, अपने बहन का, भतीजे का, चचा का, मामू का, खालू का, अपना जो रिश्तेदार है उसका ख्याल रखो। अगर वो गरीब है तो उसकी मदद करो, बीमार है तो उसका इलाज कराओ, और बिया शादी का मसला आता है तो उसकी मदद करो। अल्लाह ने हुक्म दिया तीन काम का, इंसाफ का, नंबर दो एहसान यानी भलाई करने का और हर टाइम में अल्लाह का ध्यान रखने का, और तीसरा काम अल्लाह ने बताया वो ईता ईदिल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों पर, अपने कुटुंब खेश पर, अपने जो आपस के जो लोग हैं उन लोगों का ख्याल रखो, उन लोगों पर माल खर्चा करो और उनकी गुर्बत में, उनकी गरीबी में उनका साथ दो। वयनहा अनिल फाहशा वल मुनकर वल बग, इसके अंदर अल्लाह ने तीन काम से रोका है। टाइम नहीं, सिर्फ इतना बता दूं, बेहयाई का काम जिना है, शराब पीना, चोरी करना, वल मुनकर जो खराब काम है, चाहे वो दूसरे को गाली देना, जुल्म करना, दूसरे का हक मार कर खाना, और तीसरे नंबर पर अल्लाह ने बताया वल बग्य, अल्लाह तुमको रोकता है जुल्म करने से, अल्लाह तुमको रोकता है जुल्म करने से। तो तीन काम का हुक्म दिया है, तीन काम करने से मना किया है। मेरे नौजवान साथियों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने थोड़ी सी तफसील, अगर पूरी तफसील किया जाए तो शायद हो सकता है पूरी रात खत्म हो जाए, मैंने थोड़ा सा बात बयान किया। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और चलते चलते एक मिनट में एक बात कह दूं, सामने इलेक्शन है, मैं हुजाई से आया हूं, यह मत समझिएगा कि मैं किसी पार्टी का एडवर्टाइज करने आया हूं, नौज़ बिल्ला, हमारा ये काम नहीं है। हमको आपको एक पैगाम और मैसेज देना है। वो मैसेज और पैगाम ये है कि ये जो 5 साल गुजरा, बल्कि गुजर रहा है, इस 5 साल में हमारा, आपका, मुसलमानों का कितना तरक्की हुआ, कितना तनज्जुल, कितना नीचे गए, ये हम और आप देख रहे हैं। सामने इलेक्शन है, हर आदमी को वोट देने का इख्तियार है, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते। मेरे नौजवान साथियों, होशियार हो जाओ, अपने आप को समझदार बनाओ और अपने वोट को बटने नहीं देना, कुछ इसको दिया, कुछ उसको दिया, कुछ उसको दिया, और बीच से कोई ऐसी पार्टी निकल कर चला जाए जो इस्लाम का और मुसलमान का दुश्मन है। सोच समझ कर, चिंता करके, मशवरा करके, और इस बात की कोशिश करो कि हम ऐसे लीडर को जिताएं जो इस्लाम का, मुसलमानों का खैर का हो, मस्जिद मदरसे का खैर का हो। और आज से लेकर जब तक इलेक्शन हो जाए, रिजल्ट आ जाए, दो काम जरूर कीजिए। नंबर एक, रोजाना कम से कम 2 रकात सलातु तौबा पढ़िए, सलातु तौबा नफल नमाज 2 रकात पढ़िए, अपने गुनाहों की माफी मांगिए, तौबा कीजिए। तौबा करने वाले को अल्लाह खूब पसंद करता है। सलातु तौबा पढ़िए और उसके बाद एक छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। ऐ अल्लाह, आप ऐसे आदमी को हमारा हाकिम न बनाइए, ऐसे आदमी को हमारा वजीर, मंत्री, मिनिस्टर न बनाइए जो हम मुसलमानों के साथ रहम का, दया का, माया का मामला न करे, जो हमारा हक छीनने के लिए आए, जो मस्जिद को तोड़ने वाला हो, मदरसे को बंद करने वाला हो, मुसलमानों का नाम डी वोटर में, बांग्लादेशी के लिस्ट में लाने वाला हो। ऐ अल्लाह, ऐसी पार्टी को और ऐसे लीडर को हमारा हाकिम न बनाइएगा। ये छोटा सा दो पैगाम मैंने आप लोगों के सामने रखा। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बयान के बीच में अगर कोई भूल चूक हुई हो, अल्लाह ताला उसको माफ फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।